सवी, वैसे आपकी आईब्रोज भी बहुत सुंदर हैं, लेकिन क्या सुंदर है यहाँ पर सवी की कहानी। वेल, यहाँ होनी ही चाहिए सवी और ईशान की कहानी सुंदर, लेकिन क्या करें, इसमें भी है ट्विस्ट की बाहर। लेकर चलते हैं आपका गुम है किसी के प्यार में के सेट पर और देखते हैं क्या है कहानी में नया ड्रामा। हमारी उभरती हुई लेखिका सुश्री अनिल भोसले लेकर आ रही है प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ा सीता का स्वयं। मिलिए सवी से जो हमेशा परेशानियां चुटकी में निपटा देती है। भाई भोसले परिवार के आदर्श बहू के पास हर चीज का सलूशन है। सास बहू और बेटियां पहुंचा स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में के सेट पर, जहां पर सवी के घर पर आ रहा है ड्रामा। सवी परेशान है और जानना चाहती है कि जिनके घर में एंट्री हुई है आखिर वो है कौन। इधर जिनमें खाने की टेबल पर थोड़ा ड्रामा कर रहा है। भाई जिनमें घर का बड़ा बेटा है और ईशान का भाई है, अब इसको लेकर पूरा परिवार खुश है। तो वहीं पर जिनमें की बीवी शिखा को समझा रही है सभी और साथ साथ पूरे परिवार को रामनवमी के मौके पर जोड़ रही है सभी। तो भाई सभी है तो चिन्मय नाम की प्रॉब्लम को भी वो सॉल्व कर देगी। हाल ही में सीरियल में चिन्मय यानी आयुष की एंट्री हुई है और आते ही उसने परिवार को जोड़ना और तोड़ना शुरू कर दिया। सास बहू बेटियां जब पहुंचा गुम है किसी के प्यार में के सेट पर तो कुछ अलग अलग सीन्स फिल्माए जा रहे थे। तो चलिए चलते हैं गुम है किसी के प्यार में के सेट पर और देखते हैं कि चिन्मय के आने के बाद आखिर सभी की जिंदगी में क्या तूफान आ गया। सीन नंबर वन, सभी कर रही है तहकीकात। भाई सभी परेशान है चिन्मय को लेकर, जहां वो जीतू से चिन्मय के बारे में पूछ रही है, पर वहां उसे पता चलता है कि चिन्मय जो दिखा रहा है वो है नहीं। ऐसे में सभी हो जाती है कंफ्यूज। चिन्मय दादा कौन है? अक्का साहब राव साहब के बेटे हैं वो, ईशान के बड़े भाई है, बट वो इतने सालों से घर पे नहीं रहे हैं और अब आए हैं तो काफ़ी ड्रामा आया है सीरियल में। बट वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करते हैं अक्का साहब राव साहब से, और वो क्यों ऐसे बात करते हैं वो सभी जानना चाहती है और वो जानने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन कोई उसे बता नहीं रहा है। और इवेंचुअली फ्रस्ट्रेट होकर जीतू दा के साथ वो रह रहे हैं तो उनको पूछती हूँ कि भाई कैसे रह रहे हो उनके साथ, ये इतने बदतमीज़ है। तो उन्होंने मुझे एक साइट उनका ये बताया कि वो बहुत अच्छे हैं, उनकी फैमिली के बारे में भी उन्हें सब याद है। तो सभी थोड़ी सी कंफ्यूज है कि भाई ये इंसान तो अच्छा है लेकिन ये इतनी बदतमीजी क्यों कर रहा है। सीन नंबर दो, भाई भोसले परिवार खाने की टेबल पर है और यहाँ पर सभी एक अनाउंसमेंट करती है रामनवमी को लेकर कि घर की बेटी अन्वी एक प्ले करेगी। भाई सीन को करने के लिए सभी यानी भाविका को ढेर सारे संस्कृत डायलॉग्स बोलने पड़े, लेकिन खैर नवमी पर लगता है सीरियल में ट्विस्ट आने वाला है। हमारी उभरती हुई लेखिका मैं अभी हंस रही हूँ लेकिन अंदर ही अंदर मुझे बड़ा रोना आ रहा है, क्योंकि संस्कृत आती नहीं है और ऐसे श्लोक्स आए मुझे जो सच्ची नहीं आ रहे, पढ़ देख के भी नहीं पढ़ पा रही हूँ मैं, तो याद करना तो बहुत दूर की बात है। बट लकीली हमारे डायरेक्टर बड़े अच्छे हैं, वो कह रहे हैं कि चिल करो, एक एक लाइन करके करेंगे, प्रॉम्प्ट करेंगे तो हो जाएगा। एक्चुअली रामनवमी आ रही है तो उसका एक प्ले होता है कॉलेज में, और कल्चरल सेक्रेटरी तो मैं हूँ, लेकिन ईशान सर को पसंद नहीं है कि मैं कोई और काम करूँ अभी, मुझे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, इसलिए मैंने पूरी जिम्मेदारी जो है वो अन्वी को दे दी है। तो अब अन्वी पूरा जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज करेगी। अब चलते हैं सीन नंबर तीन की तरफ, जहाँ पर खाने की टेबल पर हंगामा हो रहा है। भाई यहाँ पर ईशान भी मौजूद है, अक्का साहिब भी और पूरा भोसले परिवार, और यहाँ देखिए चिन्मय को लेकर सब कितने एक्साइटेड हैं। उधर चिन्मय है कि वो रिश्तों को निभा रहा है, लेकिन चिन्मय जो दिखा रहा है क्या वाकई वो ऐसा है या इसके पीछे कोई ट्विस्ट है? पर इसका खुलासा किया रीवा ने।
रामनवमी का कुछ प्ले करने वाले हैं जो कि अन्वी ने लिखा है. सो पूरा प्ले उसने लिखा है तो उसी के हिसाब से देखते कौन क्या प्ले करेगा. सो एक्साइटिंग रहेगा. जिनमें एक अक्का साहब का बड़ा बेटा है लेकिन उसके मन में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो उसने दबा के रखा है, जो हम सब चाहते हैं कि वो घुल मिल जाए फैमिली में, खुश खुश रहे, सब कोशिश कर रहे हैं लेकिन देखते हैं क्या प्रॉब्लम क्या एक्चुअली. देखो ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आते ही रहते हैं. अभी चिन में आए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है काम करके. तो देखते हैं अभी, पता नहीं, सब कोशिश कर रहे हैं कि पता चले कि क्या था. पर मुझे ऐसा लगता है चिन में इतना सब वो ड्रामा दिखाता है करने का, इतनी नफरत दिखाता है, पर मुझे डीप डाउन मुझे फील होता है एजरीवा कि कुछ इमोशंस दबे हुए हैं, या शायद प्यार नहीं मिला, या शायद प्यार बट गया माँ बाप का, तो उसका गुस्सा है शायद वो, मुझे ऐसा लगता है. अगला सीन है सवि और शिखा को लेकर. भाई सवि शिखा की दोस्त है और इस बार चिन्मय के आने के बाद शिखा रो रही है और उस वक्त को याद कर रही है जब चिन्मय उसको छोड़ के चला गया था, लेकिन जब वो लौट गया है तो पूरा बदला हुआ है और दोनों सहेलियां इसी पर चर्चा कर रही है. मैं मतलब शिखा भोसले तो नहीं कह सकेगी कि वो राम नहीं है, पर समझ ही गया आप लोग. सो हाँ, क्या करें. मैं अभी सीन करके आ रही हूँ. मुझे फिलहाल के लिए पता है कि मेरा दिल टूटा हुआ है, जोड़ना है मुझे. मुझे शिद्दत वाला प्यार है चिन्मय से और वो तो भाव ही नहीं दे रहे. उसको ठीक कर रहा है ये खाना पीने का, मुझे पता नहीं है खास, बट आई एम श्योर अब घर में आ गया है घर का चश्मो चिराग, तो आई ने तो जम के खाना बनाया है. उनका बेटा आया है वापस तो उसकी सारी की सारी उसकी फेवरेट चीज़ें बनाकर उसको पटाने की कोशिश करेंगी. मैं भी करूँगी. तो चलिए आप लोग ऐसा करिए, हमारे साथ ही डाइनिंग टेबल पे आ जाइए, साथ में खाना खाते हैं, साथ में रियल ऑर्गेनिक में एक्सप्रेशन दूंगी मैं, फिर पता चलाएंगे कि हो क्या रहा है. जिनमें खाएंगे, देखिए आई थिंक मुझे वेरिएड इमोशंस है ना, उसी को खेलने में मज़ा आता है और ऑडियंस का दिल जीतने में हमें हेल्प हो जाती है. तो फिलहाल के लिए तो शिखा बहुत मायूस है, बहुत परेशान है. उसे उम्मीद थी पति लौट के आएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, एक नई तरीके से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत होगी, लेकिन कहानी तो पूरी तरह पलट गई है. चिन्मय तो पूरे ही बदल गए हैं, वो तो राउडी हो चुके हैं. तो चिन्मय तो बहुत हैरान, परेशान, गमगीन देखी जा रही है कि ये क्या ही हो गया मेरे पति को. तो बस अभी क्या करें. आ जाती है सवि, थोड़ा प्यार दिखा देती है, थोड़ा कंसोल कर देती है. हमेशा से ही अच्छी दोस्त रही है शिखा की और हमेशा ही एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प की है, तो आगे भी होपफुली वो करेगी. ऑलरेडी से ये धांसू एंट्री देख ही ली गई है. ये चिन्मय जो लौट आए हैं, आई थिंक इट्स लाइक वनवास से वापस आए हैं मेरे प्रभु राम शिखा के. तो बहुत शिद्दत से इंतज़ार किया था और इंतज़ार का अच्छा रिजल्ट अब मिल गया है. बहुत खुश हूँ मैं. शिखा भोसले बहुत खुश है कि चिन्मय लौट आए हैं. आई बहुत खुश है और अब हम पूरे दिलोजान से कोशिश करेंगे कि चिन्मय को वापस अच्छे रूप में बदल पाएं और उनका दिल जीत पाएं. वैसे शिखा ये आस्था अग्रवाल बहुत एक्साइटेड है अपने इस नए ट्रैक के लिए और साथ साथ चिन्मय के साथ उनकी लव स्टोरी को लेकर भी. इसके बाद खाने की टेबल पर ढेर सारे सीन्स शूट किए गए जहां पर अक्का साहिब, चिन्मय और पूरे भोसले परिवार ने रामनवमी की तैयारी पर चर्चा की और साथ साथ चिन्मय के अपने परिवार के साथ खट्टे मीठे रिश्ते सामने आए. थैंक यू सो मच फ्रॉम आस्था अग्रवाल. आप हमेशा मेरे हर कैरेक्टर को इतना ढेर सारा प्यार देते हैं, उसके लिए दिल से बहुत सारा शुक्रिया. आई एम गेटिंग अमेजिंग रिस्पॉन्स. मतलब मज़ा ही आ गया मुझे. हमारा एक जस्ट मोमेंट था कि वो मिलने वाली है, वहीं से हमारा हैशटैग भी बन गया है चिन्मय आई थिंक. और बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है ऑलरेडी. मेरी टॉक्सिक लव सागा जो शुरू हुई है शिखा भोसले की, उसको बहुत प्यार दे रही है ऑडियंस, बहुत सिंपथी गेन कर रहा है ये कैरेक्टर. सो बहुत बहुत खूबसूरत है और बहुत मज़ा आ रहा है इसे करने में. भाई क्या चिन्मय का इरादा जो भी हो, सभी है ज़रूर कोई हल निकाल लेगी. फिलहाल सीरियल में रामनवमी का ट्विस्ट आ गया है जो गुमे किसी में प्यार में की कहानी में एक नया रस खोलेगा. मुंबई से कुणाल उपाध्याय और रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. अब हम भी तो फिल करते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, जल्दी से इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जल्दी से फॉलो करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ.